बारिश धूप मतलब कुछ भी हो रही है, कब बारिश आता है कब धूप आता है कुछ पता नहीं चलता है, ये वाला वेदर थोड़ा वैसा चल रहा है। मगर हम जो है ना फिश करी आज तो मेरा थ्रोट पेन कर रहा है ना, डाली हूँ हाँ नहीं ना ठीक है फिश निकाल लो एक, ये थ्रोट पेन कर रहा है ना वो जो गर्मा गर्म जाएगा अंदर वो अच्छा लगेगा। पानी भी रख लिया है तो पिंकू को भी बोल रही हूँ जाओ जल्दी नहा के आ जाओ क्योंकि बाद में पानी खत्म हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो भी जा ब्रेकफास्ट के बाद अजीब सा सुबह उठने के बाद से फील हो रहा था, चलो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा बट बहुत डाउन डाउन सा अजीब सा फील हो रहा था। तो ऐसा ही मतलब होता है कभी कभी क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश धूप मतलब कुछ भी हो रही है, कब बारिश आता है कब धूप आता है कुछ पता नहीं चलता है, ये वाला वेदर थोड़ा वैसा चल रहा है। एंड ड्यू टू दिस हमारा भी पूरा जो लाइक सोने एंड उठने का ना जो रूटीन है पूरा बिगड़ गया है, बहुत लेट सो रहे हैं अभी फिर से हम लोग एंड उठते उठते फिर से लेट हो रहा है, लेट उठो ना फिर सब काम लेट। एंड मैं भी वैसे ब्लॉग कर रही हूँ लेट उठ के, मतलब कभी स्टार्ट करती हूँ दोपहर में कभी ब्लॉग शाम को स्टार्ट करती हूँ, तो ऐसा ही चल रहा है मेरा। तो होपफुली इसीलिए आप लोग समझ सकते हो, एक दिन कभी ब्रेक ले लूंगी तो ठीक हो जाएगा। तो वही एंड आजकल तो मुझे मेरा एक काम ना बड़ा काम से छुट्टी मिल गया है, प्लांट्स पे मुझे पानी डालना ही नहीं पड़ता है अपने आप, बारिश में ये लोग आराम से पानी मिल रहा है, इन लोगों को पानी भी मिल जा रहा है धूप भी मिल जा रहा है सब मिल रहा है। एंड ये वाला जो पीछे है ना जैस्मिन उस पर भी बहुत अच्छी फूल आए हुए हैं एंड ये वोगन गुलाब पे। एंड काफी टाइम से मैं नर्सरी जाऊंगी कुछ कुछ प्लांट्स मुझे लाना है बट नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा भी रही हूँ ड्यू टू ना बारिश में एक तो बहुत कीचड़ रहता है, जो आउटडोर प्लांट्स आप जहाँ पे देखने जाओगे पूरा वहाँ पे मतलब कीचड़ भरा होगा। एंड ऊपर से अभी थोड़ा सा प्लांट को सर्वाइव करने के लिए भी ये वाला सीजन पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा मतलब बारिश कम हो जाए थोड़ा सा ये वाला चला जाए सीजन देन जाके लाऊंगी कुछ नया प्लांट्स, क्योंकि अभी जो है बहुत सारा प्लांट जो है मर जाता है ड्यू टू बारिश एंड ऑल। तो वही इसीलिए और नहीं ला रही हूँ और कुछ टाइम के बाद लाऊंगी। एंड पिंकू एज यूजुअल अपने ऑफिस के काम पे लगे हुए हैं तो देखते हैं, एंड होगा तो थोड़ा सा रैंस के पास भी विनिंग को चलेंगे, दो दिन से नहीं गए हुए उसको भी अच्छा लगता है हमें भी अच्छा लगता है थोड़ा टाइम स्पेंड करना, तो ऐसे ही तो लेट्स सी देखते हैं क्या हो रहा है। और ये वाला जो मोगरा है ना इस पे देखो आप कितना सारा कलिया है, एक्चुअली मैंने इसको कटिंग कर लिया था तो इतना मतलब बूशी और नहीं है पहले जैसा, क्योंकि इसका जो लीफ ना सब पुराने हो गए थे तो कोई नहीं कुछ टाइम बाद हो जाएगा बुशी, बट ये ना एक भी फूल खिलता है ना तो पूरा चारों तरफ जो है पूरा बालकनी तो महक उठता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे ना इसकी गजरा भी स्पेशली बहुत पसंद है। ये वाला भी जो प्लांट है ना स्पाइडर का, इस पे देखो कितना सारा बेबी हो गया है, बेबी स्पाइडर मतलब निकल आया है, तो इसको देखते हैं कटिंग करके ना एक पॉट में डाल लूंगी, फिर से ग्रो हो जाएगा तो प्लांटर पे लगा लूंगी, तो इसको कटिंग करूंगी। काफी टाइम से सोच रही हूँ पर क्या नहीं है, और कुछ कुछ है वो थोड़ा बड़ा हो जाए ये वाला फिर कटिंग कर लूँगी, बहुत सारा हो गया है बहुत सारा। यहाँ बैठ के पिंकू कर रहे हैं काम तो उनको डिस्टर्ब नहीं करती हो, छोड़ दो उनको काम करने देते हैं। और यहाँ पे मैं पिंकू का ऑफिस का कुछ पार्टी था लास्ट फ्राइडे तो उसका कुछ वो क्लिप्स रह गया था तो वो डाल रही हूँ, तो पिंकू ने कुछ याद एक्चुअली बनाया था तब तो पता नहीं तब साथ में भूल गई थी डालने के लिए, तो अभी मुझे याद आया तो आज मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ, तो वैसे ज़्यादा तो क्लिप नहीं है जितना भी है डाल दूंगी तो आप लोग देख लो। ऑफिस का पार्टी में आया हूँ यहाँ पर, मतलब बहुत भीड़ है इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा था, और सौम्या एक्चुअली घर में है तो उसका थोड़ा अभी मतलब तबीयत ठीक ठाक है, ख़राब मतलब था कल से बट अभी ठीक ठाक है, तो घर जाके ही बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा अभी पार्टी वगैरह चल रहा है, जो भी क्लिप हो रहा है मैं थोड़ा बहुत ले रहा हूँ क्लिप हो सकता है तो, क्योंकि क्लिप लेना पता नहीं कितना ठीक है कितना नहीं बट जितना भी हो पा रहा है मैं क्लिप ले रहा हूँ।
गाइज डिनर वगैरह हो गया, पूरा फुल हो गया हूँ मतलब, और बात करने के लिए भी इतना ताकत नहीं है मतलब, फिर भी बात कर रहा हूँ आप लोग के साथ। तो डिनर वगैरह होके कंप्लीट होके अभी मैं निकल रहा हूँ, और सौम्या के लिए शायद कुछ बाहर से ले लूँ मतलब, या तो बिरयानी खाएगी और कुछ तो उसको पूछना पड़ेगा। तो उसका तो थोड़ा बहुत थ्रोट पेन चल रहा था अभी, लेकिन फ़ोन करके पूछ रहा था कि मतलब थ्रोट पेन ठीक हो गया है मतलब, मतलब ठीक ठाक है अभी, ठीक ठाक है। तो चलो फिर, और अभी थोड़ा गाइस पिंकू का काम खत्म होने के बाद हम थोड़ा सा रैंस के पास आ गए हैं, एंड बारिश भी हो रहा था थोड़ा बहुत। तो चलो देखते हैं ये क्या कर रहा है बदमाश घर पे बैठ के। अरे दुष्ट, अरे ओ देखो पूरा घर। ये आप क्या देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो? हां टॉयज पे खेल रहे हो, कार्टून देख रहे हो, दोनों काम एक ही साथ में? हाँ, अरे बाप रे क्या मल्टी टैलेंटेड बच्चा है हमारा। हमारा बेटा यहाँ पर कार्टून देख रहा है। रिमोट कहाँ गया, रिमोट, रिमोट कहाँ गया? ये घर को कैसा करके रखा है देखो। रियो रिमोट, रियो डार्लिंग, केड़े केड़ी रियो को कौन सा लगनी? रियो गंदा बच्चा है। नो नो, रियो इज अ गुड बॉय। रियो इज अ गुड बॉय और रियो इज अ बैड बॉय? गुड बॉय ना, कुछ नहीं बोल रहे, गुड बॉय। नो नो, रियो इज अ गुड बॉय और बैड बॉय? गुड बॉय। हट, बैड बॉय। ए रियो इज अ बैड बॉय, रियो इज अ बैड बॉय, रियो इज अ बैड बॉय, रियो इज अ बैड बॉय। हेय अभी देखो कहां चला गया वहां पे जाके, देखो एज यूजुअल। इसलिए मैं बोलता हूं रियो इज अ बैड बॉय, रियो इज अ बैड बॉय। देखो किसके अंदर जा रहा है, देखो किसके अंदर जा रहा है, देखो 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 देखो। अभी इसको अभी ब्लॉक कर दूंगा, यहाँ से निकलने के लिए नहीं दूंगा मैं, नहीं यहाँ से नहीं निकल पाएगा रियो। कैसे निकलोगे अभी? वहीं पर रुको। ओ झूठ मूठ का रो रहा है और कुछ नहीं, और घर का धोखा कैसे बना के रखा है। रियो 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 रियो, अच्छा वो जो गाना गाते हो, जानी मेरे जाने मन जाने, हाँ क्या क्या क्या, जाने मेरे जाने मन, मैम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो। आउ तुम्हे तुम्हे रियांग तुम्हे उड़े कोई लो बी फॉर ए बी बी सर बी सर बी फॉर पिंकू पिंकू बी फॉर पैरेंट आउ बी फॉर पिंक बी फॉर पुलिसमैन 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 पुलिस में पुलिसमैन। और देखो गाइस क्या हुआ है रोड का हालत, मतलब सामने बिल्कुल क्या बोलू मैं इसको, नदी हो गया है, नदी हो गया नदी, और वो स्कूटी वाले सब देखो मतलब बेचारे, नहीं वो पूरा गड्ढा था बड़ा से। याद है आपको जब हमारे पास भी स्कूटी था? हाँ। ऐसा रुक के हम लोग रास्ते पे मतलब रेनकोट पहन रहे थे, ओ गॉड बहुत प्रॉब्लम होता है स्पेशली ये वाला जो बारिश, मतलब ऐसा शुरू होगा और खत्म नहीं होगा, रात भर चलेगा सुबह जाके बंद होगा। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि थोड़ा सा रुक जाए बारिश मैं फिर जाऊंगी, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब शुरू हो जाएगा ना, और मतलब बंद होने का नाम भी नहीं लेता है कभी कभी, बहुत जोर से बारिश होती है। पर ना और कहीं पे होता है ना तो थोड़ा रुक भी जाता है कभी कभार, नहीं हैदराबाद पे क्या होता था, मोस्टली बारिश होगा दो घंटे पे, इन दो घंटे पे पूरा रुक जाएगा, नहीं जबरदस्त होगा, पर यहाँ पर कंटिन्यूअसली अगर बारिश पता नहीं कभी कभी होगा कभी रुक जाएगा, कुछ यहाँ पे भरोसा नहीं है कुछ। यहाँ पे देखो पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं, सामने की यहाँ पे जोमेटो वाला है, इतना बारिश में पूरा भीग के पानी, तो मतलब छोड़ दो मतलब इतना ये लोग को मानना पड़ेगा यार, मतलब कोई क्या बोलते हैं ना, मतलब पेट के लिए सब कुछ इतना मतलब
तकलीफ करते हैं नहीं हम लोग के लिए इतना करते हैं यहाँ पर बैंगलोर में मतलब ये जो होता है ना बारिश के सीजन में बारिश जब होता है बारिश जब स्टार्ट हो जाता है तो एक्स्ट्रा एक एडिशनल चार्जेस एड हो जाता है हम लोग कभी देख के मतलब सोचते हैं यार क्या फालतू बट ये देखने के बाद तो लग रहा है कि भाई एडिशनल चार्जेस जो लेते हैं ना वो कुछ भी नहीं है इनके एग्जैक्टली वही और हम लोग इतना इनकम करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर दे देंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है पूरा वो भीग है एंड इतना बारिश में कोई रेनकोट पहनेगा भी ना वो भीग जाता है नहीं Exactly. खाना लेके वो लोग पहुंच जा रहे हैं तुम्हारे घर में देखो कितना पानी है करेक्ट बहुत ज्यादा पानी है मतलब मेन रोड पे भी इतना सारा पानी भरा हुआ है और बेचारा देखो कैसे मतलब पैर उठा के गाड़ी चला के जा रहा है गाइस सो आज है नेक्स्ट डे एंड कल रात को आने के बाद और ज्यादा व्लॉग कंटिन्यू नहीं क्या हुआ था एंड आज पता नहीं मतलब सुबह से ही करंट नहीं है मुझे पता नहीं रात को था या नहीं यूजुअली मैं उठ के जब मैं सुबह आज गीजर ऑन कर लेती हूँ आज जब मैं गई गीजर ऑन करने के लिए तो देखा मैंने करंट ही नहीं है क्योंकि कुछ टाइम से क्या होता है कि बारिश के चलते फिर बारिश शुरू हो जाता है ना कभी कभी तो करंट चला जाता है तो मैं क्या करती हूँ पहले सुबह उठते ही मैं गीजर जो है पहले एटलीस्ट ऑन कर लेती हूँ बट आज करंट ही नहीं है तो पता नहीं कब आएगा तो मसाला भी वैसे ही मैंने इन्वर्टर से ही जो है थोड़ा सा और एक प्लग जहाँ पे था वहाँ पे लाइक ग्राइंड कर लिया है तो सोच रही हूँ थोड़ा सा फिश करी बनाऊंगी एंड जल्दी नहा के भी आ गई हूँ क्योंकि पानी वगैरह भी खत्म हो जाएगा तो करंट नहीं ज़्यादा टाइम नहीं आएगा तो ऑब्वियस बात है पानी भी खत्म हो जाएगा तो ये पानी भी रख लिया है तो पिंकू को भी बोल रही हूँ जाओ जल्दी नहा के आ जाओ क्योंकि बाद में पानी खत्म हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है तो अभी जा रही हूँ थोड़ा सा फिश करी और राइस और कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि वैसे भी ग्राइंडिंग वगैरह मसाला ज़्यादा नहीं कर सकती वैसे थोड़ा सा बस इन्वर्टर का जो पॉइंट था उसी में दो तीन बार चला लिया ऐसे दरदरा पीस लिया है मसाला तो वही फिश करी एंड राइस बनेगा आज का लंच तो चलो बना लेती हूँ एंड पिंकू को भी लाइक बोलना पड़ेगा कि जाओ जल्दी नहा के आ जाओ वरना पानी खत्म हो जाएगा लंच आ गया यहाँ पर देख सकते हो आप फिश करी एक ही बड़ा सा बॉल पे ले आया हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए बहुत गर्म है यहाँ पर सौम्या बैठी है सलाद और मैं बात करने के लिए भी मूड में नहीं हूँ क्योंकि मेरा थ्रोट पेन आज मेरा हो रहा है और हेडेक भी हो रहा है सुबह से मतलब कल एक्चुअली थोड़ा बहुत बारिश में भीग गया था इतना ज्यादा बारिश हो रहा है ना गाइस यहाँ पर और वेदर इतना भी चेंज हुआ है कल से लाइन नहीं है करंट मतलब कल से नहीं है नहीं था तो इन्वर्टर जितना टाइम तक चलेगा लग रहा है ग्राइंड वगैरह भी मसाला वगैरह भी ग्राइंड कर लिया इन्वर्टर से हाँ तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कब तक चलेगा देखते हैं ऑफिस का काम भी बहुत है गाइस तो दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या करना है क्या नहीं बहुत जोर से भूख लग रहा है ये आपका था वो मेरा था ठीक है खा ले लो ओके ये आपका ज्यादा वाला देखो सौम्या कैसे करती है मेरे साथ थोड़ा अगर ज्यादा राइस चला जाएगा उसको वो खा नहीं पाएगी बोलेगा तुम खा लो और ये गर्मा गर्म जो है ना फिश करी आज तो मेरा थ्रोट पेन कर रहा है ना और पूरा हाँ नहीं ठीक है फिश निकाल लो एक ये थ्रोट पेन कर रहा है ना वो जो गर्मा गर्म जाएगा अंदर वो अच्छा लगेगा चलो लंच कर लेते हैं राइस फिश करी एंड सलाद बस चलो गाइस लंच कर लेते हैं तो बस कहीं चलिए सर जो व्लॉग भी है मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड थोड़ा सा मैं मतलब एडिटिंग चल रहा था पता नहीं कब मेरा आँख लग गया था तो अभी जाऊंगी वीडियो अपलोड लगाऊंगी एंड पता नहीं अपलोड भी हो पाएगा नहीं और कितना टाइम चार्ज लगेगा लेट्स सी देखते हैं तो व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना सब्सक्राइब पर नहीं हो फिर विजिट करो देन मैक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय गाइस बाय